स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विदिशास इंडियन किचन में। अगर आज हम बनाएंगे खीरे की रायता, जिसे आप दाल चावल या पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ आप सर्व कर सकती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो आइए देख लेते हैं खीरे के रायता बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है। हमने एक खीरा लिया है, इसको हम छील के और धो के इसका कद्दूकस कर लेंगे। हमने देखिए इसे कद्दूकस कर लिया है और इसमें मसाले में लिया है हमने एक चम्मच जीरा पाउडर है भुना हुआ, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, तीखा अपने अनुसार ले सकती हैं, और ये काला नमक लिया है, इससे टेस्ट अच्छा आता है तो ये स्वाद अनुसार काला नमक ले लीजिए। और ये थोड़ा और ज़्यादा चटपटा करने के लिए हमने लिया है दही मसाला केच का है। तो चलिए बनाते हैं। दही लिया है एक कटोरी, जितना लगेगा उतना डालेंगे। चाहे इसमें डाल देते हैं पहले दही। ये बहुत ही झटपट बनने वाली डिश है और ये आप पुलाव के साथ खाइए, पराठे या दाल चावल के साथ खाइए, सबके साथ ही बहुत अच्छा लगता है और चटपटा बहुत लगता है, इसलिए इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। एक बार बनाकर खाइए। हमने सभी मसाले को इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और कद्दूकस करने के बाद खीरा का पानी हाथ से गाड़ के निकाल दें, उसके बाद दही डालें। अब इसमें डाल देते हैं इसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए इतना डाल देते हैं। रायता हमारा तैयार हो गया है। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।